हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदीज कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही चटाकेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, अचारी पनीर। अचार तो सबको ही बहुत पसंद होता है, वो बहुत ही चटपटा और टेस्टी होता है, और उसी चटपटे टेस्ट को हम पनीर के साथ बनाएंगे। अचारी पनीर बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी तो है ही। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस करिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे एक पैन में मैं ले रही हूँ करीब 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, जिसको हम गरम करने रख देंगे लो फ्लेम पे। तो ऑयल हमारा हो चुका है गरम, तो अब मैं इसमें डाली हूँ 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1/8 टीस्पून जितनी अजवाइन, और 1 टीस्पून हम डालेंगे कलौंजी। इन सब मसालों को हम हल्के से सौते कर लेंगे। थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ हींग। ये सारे बेसिक मसाले हैं जो ऑलमोस्ट हर अचार में जाते ही हैं, तो उस बेसिक मसाले से इसका फ्लेवर और भी बहुत ही अच्छा टेस्टी हो जाता है। तो ये सारे मसाले को अच्छे से हम एक बार भून लेंगे, और अच्छे से सौते होने के बाद में इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक चॉप किया हुआ ऑनियन। ऑनियन को जितना हो सके उतना ज़्यादा चॉप, बारीक चॉप करिए तो बहुत ही अच्छे से वो घुल जाएगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इन दोनों को हम जब तक के ऑनियन ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते और अदरक और लहसुन का कच्चापन का टेस्ट निकल नहीं जाता है, तब तक हम इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे कुछ इस तरह से। और ये देखिए ऑनियन कुक हो चुके हैं, हल्के से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक चॉप किए हुए कैप्सिकम। आप चाहें तो इस टाइम पे बारीक चॉप किए हुए कैरेट्स भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है। ओनियन और कैप्सिकम का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब इसको भी हम कुक करने रख देंगे, जब तक कि हमारा कैप्सिकम थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। और ये देखिए ओनियन और कैप्सिकम दोनों ही सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें करीब 2 छोटे टमाटर डाल रही हूँ चॉप करके, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक हम थोड़ा सा ही डालेंगे, क्योंकि बाद में हम अचार का मसाला और बाकी मसाले करेंगे तो उसमें नमक आएगा ही। तो हम अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब ढक करके, जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते, कुक नहीं हो जाते, तब तक इसको हम कुक करेंगे। ये टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं, तो अब हम इसमें करेंगे मसाले। और मसालों में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ अचार का मसाला। ये मैंने मैंगो पिकल जो रहता है वो मैंने लिया है, उसमें से मैंगो नहीं लिया, सिर्फ उसका जो मसाला रहता है वो 1 टेबल स्पून के करीब ले लिया है। थोड़ी सी मैं इसमें डाली हूँ हल्दी, 1 टेबल स्पून के करीब मैं डाली हूँ मिर्ची, और इसमें मैं लाल मिर्च जो नॉर्मल यूज़ करते हैं वो, और कश्मीरी मिर्च दोनों ही डाल रही हूँ। धनिया पाउडर और भुने हुए जीरे का पाउडर आप ज़रूर से डालिए, 1 टीस्पून वो मैं डाल रही हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी ले सकते हैं। और इन सबको हम बहुत ही अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद में इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं और एक बहुत ही अच्छा सा ग्रेवी टाइप कंसिस्टेंसी आ जाए। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा सा करीब 2 चम्मच के करीब मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी इसी स्टेज पर और ऐड कर सकते हैं। सारे मसाले अच्छे से मैंने ढक करके कुक करने रख दिए थे, तो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ऑयल रिलीज़ कर दिया है मसालों ने। तो अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। तो यहाँ पे पनीर के मैंने बड़े बड़े पीसीस करके रखे थे, आप चाहें तो स्मॉल पीसीस भी कर सकते हैं, पर रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं तो रेस्टोरेंट में तो बड़े बड़े पीसीस ही मिलते हैं, और बड़े बड़े पीसीस का भी मज़ा अलग ही है। तो इसको डालने के बाद मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारा जो मसाला है वो बहुत ही अच्छे से पनीर पर कोट हो जाए। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद में थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी, और हल्के हल्के हाथों से हम पनीर को इस तरह से उठा उठा करके मिक्स करेंगे, ताकि पनीर के पीसीस हमारे जो हैं वो बिल्कुल भी टूटे नहीं। ये देखिए मैं इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और एकदम हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद में लास्ट में मैं इसमें डाली हूँ कसूरी मेथी, इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर होता है। और इसमें लास्ट में मैं डाली हूँ गरम मसाला, और इसको भी हम बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से। और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया चॉप किया हुआ। और अब मैं गैस को कर दूँगी बंद,
और गैस को बंद करने के बाद में इसमें मैं डाली हूँ करीब 1 टीस्पून के करीब लेमन जूस, और इसको भी हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारी सब्जी बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है, तो मैं इसको सर्व कर लूँगी। टेस्टी चटपटी अचारी पनीर की रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। एक बार आप बनाएंगे तो घर में बार बार इसकी डिमांड होगी बनाने के लिए, इतनी टेस्टी और चटपटी ये सब्जी बनती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।